हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज खुराना फर्स्ट डेसिफर्ड द ट्रिपलेट कोडोन्स ऑफ। फर्स्ट वन इज सेरीन एंड आइसोलेसिन, सेकंड वन सिस्टीन एंड वेलिन, थर्ड वन इज टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एंड लास्ट वन फिनाइल एलनिन एंड मिथियोनिन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खुराना थे वो फर्स्ट डेसिफर्ड द ट्रिपलेट कोडोन्स ऑफ, कौन सा जो है यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन्स यहाँ पे ये खोजे थे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा जो डॉक्टर हर गोविंद खुराना का जो एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे अगर बात करें डॉक्टर हर गोविंद खुराना का, वो क्या किए थे, वो सिंथेसाइज्ड किए थे पॉली पॉली राइबो पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड केमिकली। उसके बाद ये जो पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड था सिंथेसाइज बाय हिम, एंड उसके पास जो है रिपीटिंग सीक्वेंस था, क्या था रिपीटिंग, उन्होंने जो सिंथेसाइज किया था उसमें क्या था रिपीटिंग जो है सीक्वेंस था, यू यानी कि यूरेसिल एंड जी यानी कि ग्वानिन बेसिस का। सो यहाँ पे जो टेट्रापेप्टाइड्स प्रोड्यूस्ड हुए बाय द एमआरएनएज हैड टू अमाइनो एसिड इन रिपीटिंग पैटर्न। तो कितना था यहाँ पे, टू अमाइनो एसिड था। अब यहाँ पे जो रिपीटिंग सीक्वेंस था, कह सकते हैं जो रिपीटिंग सीक्वेंस था ऑफ यू जी वो क्या था, एन बेसिस था, यानी कि बहुत सारे थे। ऐसे हम लिख सकते हैं कि यू जी था, फिर यू जी था, फिर से यू जी था, इस तरह। सो यहाँ पे यू जी यू जी यू जी ये सब जो है produces two different types of codon। यह क्या करता है, ये जो है produce करता है two different type of codons। अब these two different type of codons जो थे वो क्या थे, यू जी यू एंड दूसरा जो था जी यू जी था। एक था यू जी यू एंड दूसरा था जी यू जी इन एन अल्टरनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न। पहले एक बार आ जाएगा यू जी यू, उसके बाद आएगा जी यू जी, फिर आएगा यू जी यू, इस तरह से अल्टरनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न था। अब यहाँ पे जो कोडोन यू जी यू की बात करें तो ये जो है कोड करता है यू जी यू जो है कोड करता है फॉर द अमाइनो एसिड सिस्टीन के लिए। किसके लिए कोड करता है, सिस्टीन के लिए। वही ये जो जी यू जी होता है वो क्या करता है, किसको कोड करता है, अमाइनो एसिड वेलिन के लिए, वेलिन के लिए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो टेट्रापेप्टाइड था, टेट्रापेप्टाइड जो प्रोड्यूस हुआ था बाय एमआरएनए सीक्वेंस विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड सिस्टीन का एंड साथ ही साथ वेलिन, यानी कि दोनों जो है क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। जो टेट्रा पेप्टाइड बना था किससे, एमआरएनए से। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चले तो पहला दे रखा है सेरीन एंड आइसोल्यूसिन, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिस्टीन एंड वेलिन। दूसरा दे रखा है सिस्टीन एंड वेलिन, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड दे रखा है टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये भी क्या होगा, अगेन गलत। एंड लास्ट दे रखा है फिनाइल एलानिन एंड मिथियोनिन, ये भी क्या होगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. Hope you understood it well. Best of luck.